यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करती हूं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूं इस समय के लिए। आज का जो हमारा विषय है कि हमारी सहायता कहां से आएगी, हमारी सहायता कहां से आएगी। कई एक बार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा होता है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों से हार मान जाते हैं, हम अपनी जीवन की परिस्थितियों से थक जाते हैं। वहीं कहीं ये परिस्थितियां आपके और हमारे लिए इतनी बड़ी नहीं थी, परंतु अब वो परिस्थितियों के ऊपर में आप जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई जो बंधन है हमारे जीवन में वो पकड़े हुए हैं और वो बंधन से हम आज़ादी तो चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी पूरी सामर्थ्य को लगा रहे हैं, परंतु आप उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। परंतु आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और आखिर हमारी सहायता कहां से आएगी। दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय 7 से लेकर के 10 पद तक, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 7-10। यहां पे जो एक भविष्यवक्ता है उसका नाम हनानी है, और उस समय क्या होता है कि वो जो हनानी दर्शी जो रहता है, वो यहूदा के राजा आसा के पास जाता है। और ये जो राजा आसा रहता है, पहले तो वो बहुत विजय प्राप्त किया बहुत बड़े बड़े देशों के ऊपर में, जिसकी सेनाएं बड़ी थी, कूशिया और लूबियाओं की सेना के ऊपर में उसने विजय प्राप्त किया। लेकिन अब जो है वो एक आराम के राजा के ऊपर में भरोसा रखा था। तो वही उसी प्रकार हनानी दर्शी जो है वो आसा राजा के पास जाकर उससे कहता है 7वें पद में कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। क्योंकि ऐसा राजा आसा को लगने लगा, ऐसा राजा आसा ने महसूस किया जो आराम का राजा है वो क्या है, उससे ज़्यादा बलवंत है। और इसी कारण क्या हुआ कि उसने क्या किया, आराम के राजा के हाथ जो है, उसकी जो सेना थी, आराम के राजा की जो सेना थी, राजा आसा के हाथ से क्या हुई, बच निकल गई। तो इसी प्रकार कहा है, आप जब देखेंगे तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा 7वें पद पे, क्या होता है कभी कभी, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन की बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। और कभी कभी मामूली समस्याएं लेकिन हमारे ज़िंदगी में वो जकड़ी रहती है, वो क्रॉनिक बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम उन समस्याओं को क्या कहते हैं, देखने लगते हैं कि ये समस्या क्या कभी जाएगी, ये समस्या तो बड़ी है, क्या इन समस्याओं का कोई समाधान होगा, क्योंकि हम उस समय अपने यहोवा परमेश्वर की ओर देखना बंद कर देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं आज हम और आप भी कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि अपनी समस्याओं को देख के कह रहे कि ये समस्या है, समस्या ये बड़ी है, परंतु हम ये भूल गए कि हमारा परमेश्वर जो है वो बड़ा है और हम अपना भरोसा अपने यहोवा परमेश्वर पर नहीं रख रहे हैं। जब आप 9 पद पे आएंगे तो वहाँ पे लिखा है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है। अगर हम परमेश्वर की ओर निष्कपट मन से निहारते रहते हैं और उस पर भरोसा करते रहते हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहे कि अगर हम परमेश्वर के डरवैये हैं तो उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाएगा हमारी और आपकी सहायता करने के लिए, चाहे मुसीबतें कुछ भी हो। यहाँ पे मुसीबतें मेंशन नहीं की गई है, चाहे वो कोई भी आपके जीवन में जो ठोकर है और कांटा है रहे, लेकिन वो सामर्थ आपकी नहीं परंतु परमेश्वर यहोवा की होगी। और लिखा है कि देख यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर देखती रहती है, फिरती रहती है, उसकी दृष्टि रहती है। अरे भाई, आपको अपने वचन, आपको अपने परमेश्वर पे विश्वास रखना है, ना कि आपको अपनी मुसीबतों पे विश्वास रखना है। जब आप सच्चे मन से परमेश्वर की ओर निष्कपट रहेंगे मेरे भाई और बहन, तो जो भी समस्या, परमेश्वर आपको आपकी समस्या से निकालेगा।
इसलिए आज से अपनी मुसीबतों पे नहीं परंतु परमेश्वर को उसकी सामर्थ को अपने जीवन में दिखाने दे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े और महान काम को करेगा। उसके ऊपर अपना विश्वास दिखाना हमें बहुत ज़रूरी है। और आप अगर भजन संहिता 115 का 11 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि हे यहोवा के डरवैयो, भजन संहिता 115 का 11 पद, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। तो हमारा सहायक जो है हमारा मददगार है। जिस भी चीज़ में आप अगर परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो आपका मददगार कौन बनेगा? परमेश्वर यहोवा बनेगा। और ढाल मतलब जो हमारी सुरक्षा है, तो हमारा मदद और हमारी सुरक्षा यहोवा की ओर से आएगी। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। Thank you.